दो प्लांट लूँगी। मैं पहले ही एक प्लांट ग्रो कर चुकी हूँ, एक दो और ले जाऊँगी। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इनके फूल। तो आप 7 या 8 इंच के पॉट में लगाइए, बहुत ही प्यारे प्यारे इनके फ्लावर्स कलर हैं। और जब भी लगाइएगा प्लांट तो सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके तभी लगाइएगा, वेल्डन सॉइल होनी चाहिए। और इन्हें धूप में रखिएगा पूरे दिन की धूप में, और वाटरिंग जब भी कीजिएगा तो सॉइल को चेक करके ही। पानी जब भी दीजिए तो पहले गमलों की मिट्टी हल्की सी सूखने दीजिए, फिर पानी दीजिए। और हर 15 दिन में इन्हें खाद दीजिए। और देखिए यहाँ पे डैंथस है, बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं। तो डैंथस पहले साल का मेरा अब तक है मेरे गार्डन में लगे हुए, और एक प्लांट में पहले से ही ले चुकी हूँ, और सेरेसिया भी ले रही हूँ अपने गार्डन के लिए, और एक मैंने पहले से ही लगा लिया है। तो देखिए एक और नया प्लांट मैं दिखा रही हूँ आपको, इनको पम्पम डहलिया कहते हैं। तो देखिए बहुत छोटे छोटे ही प्लांट रहेंगे तभी फ्लावरिंग करने लगते हैं, ये ब्लूमिंग पे है देखिए। और इनके कलर वैरायटी कई आपको मिल जाएंगे नर्सरी में। तो मैं येलो ले रही हूँ, फ़िलहाल मैं एक ही प्लांट ले रही हूँ, पहले एक ग्रो कर लूँगी, फिर मैं आऊँगी तो फिर एक दो कलर ले जाऊँगी अपने गार्डन के लिए। तो इन्हें लगाइए, बहुत ही खूबसूरत इनके फूल लग रहे हैं, छोटे से प्लांट हैं। और इन्हें भी आप वेल्डन सॉइल में ही लगाइए, सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके तब अपने प्लांट को लगाइए। कोई भी प्लांट लगाइए तो सॉफ्ट मिट्टी में लगाइए ताकि आपके गमलों में पानी ना जमे। और यहाँ मैं गजानिया दिखा रही हूँ आपको, और यहाँ मैं आपको नेमेशिया फ्लावर प्लांट दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एक प्लांट लगा चुकी हूँ और वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो एक और लेने वाली हूँ प्लांट, वाइट में लेने वाली हूँ। तो इस प्लांट को भी आप 7 या 8 इंच के पॉट में लगाइए, वेल्डन सॉइल में लगाइए, और पानी कम दीजिएगा, हर 15 दिन में खाद दीजिए, और फुल डे सन में रखिए पूरे दिन की धूप में। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर प्लांट हैं, गुच्छों में फूल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग भी करते हैं। तो चलिए मैं अब आपको डैंथस दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है, तो इन्हें भी लगाइए, बहुत ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करते हैं। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, नमस्कार।